4 जो है वो भी सिमिलर टू क्वेश्चन 3 है. हमने कर्व को स्केच करना है बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स और इंडिकेट डायरेक्शन बतानी है इंक्रीजिंग टी की फॉर्म में. यहाँ पे हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 है और वाई इज इक्वल टू 3t माइनस 7 है. और यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है टी के ऊपर कि टी फ्रॉम 0 to 3 होगा. तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे, इतना ही हमने स्केच करना है. हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म एक इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3. इससे हम टी की वैल्यू निकालते हैं, 3 को हम दोनों साइड पर ऐड कर दें. तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, यहाँ भी 3 ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और टी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3. इसको हम दूसरी इक्वेशन में टी की जगह पर पुट कर देते हैं. तो टी की जगह हमने एक्स प्लस 3 पुट किया, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी. तो 3x + 9 - 7 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x + 2. अब इसको हमने स्केच करना है. तो चूंकि टी के ऊपर इतने लिमिट लगाई हुई है तो इस बेस्ट कि हम, अब तो हमें पता चल गया कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इस बेस्ट कि हम कोई से भी 2 पॉइंट्स शुरू किया और आखिर का पॉइंट निकाले तो हमारे पास टी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ग्राफ आसानी से बन जाएगा. अब मैं टी को अगर 0 पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3. एक्स क्या होगा, -3. और इस वाले में पुट कर दें टी 0 तो वाई क्या आएगा, -7. तो -3, -7 एक पॉइंट आ गया. अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू होगा और एंड कहाँ पे होगा, जब टी को हम 3 पुट कर दें. तो जब टी को हम 3 पुट कर दें इस वाले में तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0. और जब इस वाले में टी को 3 पुट कर दे तो 9 - 7 ये बन जाएगा 3, 3 इज 9, 9 - 7 बन जाता है 2. तो वाई की वैल्यू क्या है, 2. तो दूसरा पॉइंट है 0 और 2. अब आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर -3 और -7 का पॉइंट निकालें जो कि ये है और 0 और 2 का पॉइंट निकालें जो कि ये वाला है. इन दोनों को मिला के वैसे आपका जो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह की बनेगी, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाई है कि टी 0 से 3 के दरमियान ही होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने स्टॉप कर दी हुई है. ओरिएंटेशन के लिए आपको वैसे भी टी 0 के ऊपर ये पॉइंट है और टी 3 के ऊपर ये पॉइंट है, तो ये देखें इस तरफ से आप ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ओरिएंटेशन में.